गाजीपुर से आदित्य कुमार सीनियर क्राइम रिपोर्टर की खास रिपोर्ट। ग्रामीणों ने किया पुलिस पर जानलेवा हमला। छोटी अफवाह से गांव की शांति हुई भंग। पारिवारिक विवाद में ग्रामीण हुए उग्र। हुआ मुकदमा दर्ज। शादियाबाद पुलिस द्वारा ससुर व पुत्र वधु को थाने पर कई बार चेतावनी दी गई कि आपसी विवाद न करें, मामला जमीन संबंधित है, उसे आप न्यायालय के माध्यम से ही हल करवाएं। शादियाबाद अंतर्गत ग्राम नेवादा दुगर विजय में हुआ ससुर और बहू के जमीनी संबंधित पारिवारिक विवाद को लेकर ग्रामीण इस कदर उग्र हो गए कि पुलिसकर्मी पर ही जानलेवा हमला कर दिया और पथराव कर घायल कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार नेवादा के रहने वाले जवंता विश्वकर्मा के छोटे बेटे की मौत के बाद उसकी पत्नी सुषमा को घर से बेघर कर अपनी पूरी संपत्ति बड़े बेटे अरविंद के नाम कर दी। ससुराल वालों से जब अपने संपत्ति में अपना हिस्सा मान रही थी और कई बार पंचायत भी हो चुकी है और यह आरोप लगाया कि शनिवार को वह अपने बच्चों साथ आई तो जबंता ने लाठी डंडे से मारपीट कर घायल कर दिया। किसी ने यह अफवाह फैला दी कि सुषमा की मौत हो गई है और ग्रामीणों में ये खबर चारों तरफ फैल गई, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने रास्ते को अवरुद्ध कर दिया। सूचना पाकर पहुंची शादियाबाद पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत करने का प्रयास करे रहे थे, तभी अराजक तत्वों ने पथराव शुरू कर दिया, जिससे कांस्टेबल अवधेश के सिर में गंभीर चोट आ गई और मौके पर ही खून से लथपथ हो गया, जिसको इलाज हेतु ट्रॉमा सेंटर वाराणसी के लिए तत्काल भिजवाया गया। बीच बचाव के दौरान एसआई अभिराज रोज और शक्ति सिंह कांस्टेबल को हल्की चोटें आई हैं। इस समय ग्रामीणों में पूरा भय का माहौल व्याप्त है। कोई भी ग्रामीण घर पर दिखाई नहीं दे रहा है। काफी घरों में ताला लटका हुआ है और सामान इधर उधर बिखरा हुआ है। मौके पर कई थानों की पुलिस फोर्स और पीएसी गांव में भ्रमणशील है। मौके पर मौजूद क्षेत्राधिकारी बुटकुडा रविंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि इस घटना के संबंध में 30 नामजद और 20 अज्ञात आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है। और थाना शादियाबाद अंतर्गत नेवादा ग्राम सभा में बीती रात को एक ऐसा मामला हुआ जिसे देख करके सुन करके लोगों में और भय व्याप्त हो गया। अब मामला यह है, मिली जानकारी के अनुसार आपको बताते चले कि नेवादा ग्राम सभा में एक मामला सास और ससुर और बहू का बहुत पहले से चल रहा था। मामला यह है जमीनी संबंधित बताया जा रहा है, जिसमें बहू अपने हिस्से की बात अपने ससुर से बार बार कर रही थी, लेकिन उसका ससुर आनाकानी करता था और उसका हिस्सा, उसका जो होना चाहिए, जो उसे हिस्सा मिलना चाहिए, वह नहीं दे रहा था। इसे लेकर के उसने संबंधित आला अधिकारियों को कई बार सूचना अवगत कराया, लेकिन संबंधित अधिकारी उसकी सूचना को सुने और विवाद को टालते रहे और समझाने का प्रयास करते रहे। लेकिन एक रात ऐसी आई, बीती रात में एक ऐसा इतना बड़ा विवाद हो गया कि बहू के ससुर द्वारा और उसकी जेठानी द्वारा इतना मारा जाता है कि ग्रामीणों में आक्रोश हो जाता है, जिसे आक्रोशित होकर के ग्रामीणों ने रोड पे चक्का जाम कर दिया और मौका पर सूचना पाकर के पुलिस मौजूद हुई। उस संबंध में पुलिस ने बीच बचाव किया, लेकिन उग्र भीड़ ने संबंधित पुलिसकर्मी को किसी ने पथराव कर दिया, जिससे गंभीर चोटें आ गई और वो इस समय उसकी स्थिति यह है कि वो ट्रामा सेंटर में भर्ती है। और इस समय ये वही घर है जहाँ पे विवाद हुआ है। और आइए वो जगह हम दिखाते हैं, जिस जगह पे लोगों ने उग्र लोगों ने जो लोगों ने यहाँ पे देखिए वो पथराव किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पत्थर पड़ा हुआ है, ये काफी वहाँ पे ईंटें पड़ी हुई है, शीशे तोड़े गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो यहाँ के जो ग्रामीण है कितने उग्र लोग हैं, काफी उन लोगों में किस तरह से ये देख सकते हैं काफी ईंटें पड़ी हुई है। और यहाँ पे मौजूद में यहाँ पे हमारे साथ ग्राम प्रधान है, आइए इनसे जानते हैं क्या कुछ मामला हुआ था। इससे पहले अपना परिचय बताएं। सर, हम अमरनाथ ग्राम सभा नवादा दुर्ग विजयराज से बोल रहे हैं। सर, आप मैटर इसमें है, सास बहू का विवाद है, इसमें ससुर का है। उनके जामत विश्वकर्मा के दो लड़के थे सर, बड़ा वाला लड़का अभी कमा खड़ा है, छोटा वाला लड़का इस पार हो गया बम्बई, वो भी कमा रहा था। बड़ी वाली बहू है जो वो भी यहीं पर रहती है, उसके छोटी वाली जो उसका आदमी मर गया सही, उसका देहांत हो गया है और उसके पास दो एक लड़की एक लड़का है। और बेचारी वो भी यहाँ पर आकर उसका हिस्सा अगर बन रहा है तो अपने हिस्सा के लिए वो लड़ रही है। प्रशासन से कितनी बार यहाँ पर पच्चीसों तीसनों देख 112 नंबर डीएम साहब एसपी साहब की महिला या थाना पर वहाँ पर सबकी यहाँ गुहार लगाई सर, गई थी, हम भी गए थे सर। ये बुढ़ी बुढ़ा है और जेठानी उसको हिस्सा नहीं दे रहे हैं और कुछ जमीन है तो उसको बेच रहे हैं लोग। तो इसमें क्या प्रशासन का की कोई गलती थी क्या? प्रशासन की सर, हमको देखिए प्रशासन जब फोन होता था तो सब आते हैं, उसको 10-12 चक्कर लोग जेठानी और ससुर और सास उसको पीटे मारे। जैसा आपका कहना है कि ये जो मामला है बहुत पुराना है और इस मामले से कई बार पुलिस आ चुकी है, लेकिन इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया, नहीं लिया गया। तब जाकर ये बड़ा विवाद हुआ है। तभी सर इसे देखिए, अब परसों के रोज में
उसको फिर मारे थे वो औरत को, जो अगला है उसका कोई नहीं है, उसका आदमी मर गया, उसके पास दो बाल बच्चे हैं, वो अपने हत्या के लिए मांग रही थी, उसको इतना मार मार दिया, गेट लगवाया सर वो गाड़ी में। तो ये आपकी जानकारी में है कि हम ये पीड़ित जो महिला है उसको हिस्सा चाहिए, तो क्या कई बार जो दिया तहरीर दिया गया जानकारी में है? साहब कई बार हम लोग पंचायत से भी फाइनल हुआ था, 3 बीघा की जमीन देने के लिए वहाँ पर बोले थे, यहाँ इधर खेत है दक्षिण साइड, क्योंकि रात में गाँव से यहीं पर से लेके ट्रैक्टर मक्टर गई बुआ गई, ट्रैक्टर वाला गेहूँ उसमें छिड़िया, जब गेहूँ पक गया तो दूसरा उसका सास ससुर जेठानी रात में जाकर सर गेहूँ काट दिया उसको, रात में वही हुआ नहीं था। तो इस समय जो सास ससुर उसको मारे पीटे तो इसे लेकर के ग्रामीणों में आक्रोश हो गया। बस बस सर, क्या ये ऐसा सुनने में आ रहा है कि पुलिस को बुलाया जा रहा था, तो क्या पुलिस मौके पर नहीं आई थी? पुलिस सर आई, अब पुलिस बुलाया पर नहीं, 100 नंबर इधर से जा रही थी, हम लोग 2-3 आदमी यहीं पर खड़ा थे, शाम की समय थे, 6:30 बज रहा होगा लगभग, तब तक कोई कह रहा था कि उसको इतना मार दिया कि मालूम पड़ा कि वो मर गई सर, अब अफवाह फैल गया कि वो मर गई या बेहोश थी सर, उसको इतना मारे इतना चोटी नहीं थी, नहीं चोटी थी सर, अब उसको इतना अब देखने में इतना हुआ कि वो मर गई है, बस अब अफवाह फैलाएं कि मर गई है, इसके बाद प्रशासन किया कि काम किया हम तो नहीं किया, जनता जो किया होगा, तभी प्रशासन यहाँ नंबर आ गई। आपको वो जगह हम दिखा रहे हैं जहाँ पे विवाद उत्पन्न हुआ, ये वही जगह है जहाँ पे डायरेक्ट सुबारे गाड़ी खड़ी हुई थी, और यहाँ से उग्र लोग पुलिसकर्मी पथराव किए और पथराव इस कदर किए कि एक पुलिसकर्मी को उसके सर में चोट लगी, ये वही देख सकते हैं अभी यहाँ पे ये उनका जो ब्लड है कितना ज्यादा गिरा हुआ है, आप देख सकते हैं कितना आतंकी लोग थे और अराजक तत्व लोग थे, जरा भी उन पे ये सितम नहीं छाया कि जो हमारी रक्षा करते हैं, जो हमारे लिए दिन रात मेहनत करते हैं, कड़ी धूप में खड़े रहते हैं, आज उन्हें ही पथराव करके चोटिल करने का काम किया, कहने के इससे बड़ी बेशर्मी और बड़ी ये घटना नहीं हो सकती है, और देख सकते हैं किस तरह से ये घटना को अंजाम देने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं ये बड़े बड़े जो पत्थर है, ये पत्थर को रख करके यहाँ पे जाम लगाए थे लोग, और जाम लगा करके ये रास्ते को अवरुद्ध कर दिए थे, और यही वो जगह है जहाँ पर एक बड़ा विवाद उत्पन्न हुआ था, आज वह पुलिसकर्मी एक बड़ी घायल की स्थिति में है, आप देख रहे हैं अल्पाई सुरेश आदित्य कुमार के साथ। क्षेत्र में कल बीती रात जो है मामला हुआ था, एक सिपाही भी घायल हुआ, क्या है पूरा मामला? थाना सादियाबाद क्षेत्र में कल नवादा गांव पड़ता है, वहाँ पे एक पारिवारिक झगड़े की सूचना 100 को प्राप्त हुई थी, उसमें दुलानी जिठानी और जिठानी की तरफ सास ससुर थे, जो देवरानी थी वो विधवा है और वो उस घर में अपना हक मांगती थी, इसको लेके उसके द्वारा प्रार्थना पत्र विभिन्न अधिकारियों को दिए गए थे, उनमें दोनों परिवारों को बैठा के कोशिश की गई थी, और कल उसके सास ससुर द्वारा एक प्रार्थना पत्र तहसील दिवस में दिया गया था, तो ये तय हुआ था कि अधिकारी लोग दोनों पक्षों को बैठा के आपसी सहमति से अगर बनती है तो सही है, अन्यथा न्यायालय के माध्यम से अपना बंटवारा कराएं, इसी को लेकर कल जो सुषमा देवी थी वो अपने ससुराल में आई थी, जिसे लेके उनके सास ससुर द्वारा उनके साथ मारपीट की गई, 900 की सूचना पर जब पुलिस वहाँ पहुँची तो गांव वाले जो सुषमा देवी थी उसका सहयोग कर रहे थे, और जो 900 की गाड़ी और थाने की फोर्स भी पहुँच गई थी, जब गांव वालों ने घेर रखा था तो वहाँ को स्थिति को सामान करने के लिए जो पक्ष लड़ रहे थे उन्हें लेके जब थाने आ रहे थे तो वहाँ पे किसी के द्वारा एक पत्थर चला दिया गया था, जिसमें गाड़ी की विंड स्क्रीन भी टूट गई थी तथा हमारे जो आरक्षी था उसके भी चोट लग गई थी। इस मामले में सुसंगत धाराओं में जिन लोगों ने वहाँ कानून को अपने हाथ में लेने का प्रयास किया था, महिला पुरुष जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी, एक स्थिति को शांतिपूर्ण स्थिति को एक कानून व्यवस्था की स्थिति में तब्दील किया, उन लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया। इस मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, बाकी भी वहाँ पर फोर्स लगी हुई है, और सीधा संदेश है कि कानून को अपने हाथ में जो लेगा उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।